हेलो दोस्तों, रोचक कथाएं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अघन मार्गशीर्ष बृहस्पति व्रत की कथा सुनाने जा रही हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। यह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा बताने वाली एक प्राचीन कथा है। प्राचीन समय में पराशर ऋषि व नारद मुनि मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते अघन मास के गुरुवार के दिन एक नगर पहुंचे, जहां नगर के नर नारी प्रातः काल उठकर अपने अपने घरों को एक ही रंग के गाय व बछड़े के गोबर से लिप शुद्ध किए, फिर स्नान कर साफ वस्त्र धारण किए, चावल को पीस उसे पानी में घोल कर उससे महालक्ष्मी के पद चिन्ह बनाकर चौक बनाया था। चौकी को धोकर उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर चारों ओर केला व आंवला के पत्तों से सजाकर सफेद चावल रखा, उसके ऊपर लक्ष्मी जी को स्नान कराकर बिठाया, 10 बाती का दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी के नाम पर एक सुपारी व 10 गांठ वाला सूत महालक्ष्मी जी के पास रखे थे। धूप दीप लगाकर 5 प्रकार के फूल फल व भोग लगाकर बड़े ही भक्ति भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा की जा रही थी और महालक्ष्मी जी की जय जयकार से सारा आकाश गूंज रहा था। इस जय जयकार व सजे धजे नगर को देख दोनों ऋषि व मुनि आश्चर्यचकित हुए। तब नारद जी ने पराशर ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, आप कृपा कर बताइए, इस नगर में किसकी जय जयकार हो रही है तथा कौन सा व्रत मना रहे हैं और मृत्यु लोक में इस व्रत का फल किसे मिला था। पराशर ऋषि ने नारद जी से कहा, आप धन्य हो जो इस संसार के नर नारियों की सुख शांति के लिए इस कथा को पूछ रहे हो। मैं संसार के कल्याण के लिए आपको यह कथा अवश्य ही बताऊंगा, कृपया आप ध्यान पूर्वक सुने। यह श्री महालक्ष्मी जी की बहुत पुरानी कथा है। एक समय लक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ जी से बोला कि प्रभु, आज मेरे नाम से धरती वासियों ने व्रत रखा है, क्योंकि आज अघन मास का विशेष गुरुवार है जिसे सुदर्शा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तो अघन मास के प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखा जाता है, किंतु जिस अघन मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन गुरुवार हो तो उस दिन सुदर्शा व्रत के नाम से व्रत रखा जाता है। सो आज वही व्रत है। आपकी आज्ञा हो तो मैं मेरे भक्तों को देखने नगर भ्रमण को जाऊं। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, अपने भक्तों को देखना अच्छी बात है, आप अवश्य ही जाइए, लेकिन नगर परिभ्रमण कर लौट आना। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर एक बूढ़ी ब्राह्मणी के रूप में नगर में प्रवेश किया। उन्होंने देखा नगर सूना सूना है, व्रत के नाम में कहीं भी कुछ नहीं है, नगर के सभी लोग सो रहे थे। ऐसी स्थिति को देखकर महालक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ। तभी महालक्ष्मी जी को नगर के बाहर एक छोटा सा घर दिखाई दिया जो दूर से ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। घर के द्वार के आगे दीपक जल रहा था। वह घर सीरिया नाम की साहिनी का था। महालक्ष्मी जी धीरे धीरे उस घर के पास पहुंची जहां सीरिया महालक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा कर रही थी। यह सब देखकर उनसे रहा नहीं गया, वो सीरिया के घर के अंदर प्रवेश कर उससे बोली, बेटी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना हो मांग लो। फिर सीरिया को मनोवांछित वरदान देकर निकल रही थी। तभी उस समय बलराम व कृष्ण वन में विहार करने आए थे और बलराम जी ने अपनी योग शक्ति से महालक्ष्मी जी को सीरिया के घर से निकलते हुए देख लिया। उन्होंने कृष्ण जी को बुलाकर कहा कि अब महालक्ष्मी को घर में नहीं रखना है, क्योंकि वह सीरिया सहनी के घर गई थी। कृष्ण जी ने बलराम जी से बहुत विनती करी कि एक बार उन्हें क्षमा कर दे, परंतु वो नहीं माने। जब महालक्ष्मी जी घर आई तब कृष्ण जी ने घर के अंदर आने के लिए मना कर दिया और कहा, जहाँ जाना है वो चली जाए। इस पर महालक्ष्मी जी ने
उनसे बहुत मिन्नतें की, किंतु कृष्ण जी नहीं माने। इस पर महालक्ष्मी जी ने दोनों भाइयों को श्राप देते हुए कहा, यदि मेरे पतिव्रता में सत्यता होगी तथा जिस तरह सूरज व चांद का आना जाना सत्य होगा, तो आप दोनों भाइयों को 12 वर्षों तक अन्न पानी व वस्त्र नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर महालक्ष्मी जी वहां से निकलकर समुद्र के किनारे श्री विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित भवन में रहने लगी और रात्रि के समय अष्टवेत्ताओं के माध्यम से वैकुंठपुरी की सारी सामग्री मंगवा ली। सुबह जब बलराम जी व कृष्ण जी नींद से जगे तो देखा पूरा वैकुंठ खाली था। बिना भोजन पानी के 2-3 दिन बीत गए और आखिर दोनों भाई भीख मांगने लगे। उन्हें कहीं भी भोजन व पानी नहीं मिल रहा था। वो जहाँ जाते वहाँ से उनको भगा दिया जाता था। इसी तरह समय बीतते हुए 12 वर्ष हो गए और वे दोनों एक दिन महालक्ष्मी जी के भवन पहुंचकर भोजन की मांग की। महालक्ष्मी जी ने स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार कर दासी के माध्यम से प्रेम पूर्वक भोजन कराया। श्री कृष्ण जी ने भोजन के बाद बलराम जी से कहा कि यह भवन महालक्ष्मी जी का है। तब बलराम जी ने कृष्ण जी से कहा, अब महालक्ष्मी जी को घर ले चलो, उनके बिना सारा संसार सूना सूना है, उनकी महिमा अपरंपार है और कहना वो पिछली बातों को भूल जाए, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने भी उनके दिए श्राप से 12 वर्ष कष्ट पाते हुए बिताए हैं। कृष्ण जी बड़े भाई की आज्ञा पाकर महालक्ष्मी जी को साथ लेकर वैकुंठपुर पहुँचे। चारों ओर खुशहाली छा गई। देवलोक में देवताएं, अप्सराएं, गंधर्व आदि उत्सव मना रहे थे। वैकुंठपुर में फिर से खुशियां छा गई। श्री कृष्ण जी ने कहा, महालक्ष्मी जी के बिना सारा संसार अंधकारमय है, उनकी महिमा सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी के द्वारा किसी भी देवी देवताओं को चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने योग्य है, तथा जो अघन मास के प्रत्येक गुरुवार को श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कर विधिवत पूजन करेगा, उस पर श्री महालक्ष्मी जी व मेरी कृपा अवश्य होगी। अतः जो कोई भक्त भक्ति भाव से महालक्ष्मी पुराण की इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उससे महालक्ष्मी जी अवश्य ही प्रसन्न होगी और उसका घर धन धान्य से भरा रहेगा। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। तो ये थी अघन मास की महालक्ष्मी जी की पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी यह कथा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।